ओम नमः शिवाय। लोकसभा 2024 शपथ ग्रहण समारोह 9 जून 2024 को हुआ, शाम को 7:25 पर। ये समय क्यों चूज किया गया, ग्रहों की दशा उस समय क्या थी वो जानेंगे, और इसी समय वो क्यों चूज किया गया, ये समय कितना सही है वो जानेंगे कुंडली के माध्यम से। तो देखिए, सबसे पहले जो लगन लिया गया वो वृश्चिक लगन लिया गया, और आपने इसके पहले जो कुंडली थी प्रधानमंत्री जी की, तो देखा होगा उसमें भी लगन जो है वृश्चिक है, और लगन में ही चंद्रमा और मंगल बैठे हुए हैं। चंद्रमा की 10 साल की महादशा निकल चुकी है, मंगल की दशा चालू हुई है। मंगल की दशा में 2028 तक है, तो मंगल की दशा के कारण जो है वो अभी पीएम फिर से बन गए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी लगन वृश्चिक ही लिया गया है, और उसी वृश्चिक लगन में उनको शपथ दिलाई गई है। तो मंगल की यदि बात करें तो लग्नेश का स्वामी मंगल देखिए यहाँ पे आपके बैठे हुए हैं, छठम भाव में अपने ही घर में है। विपरीत राजयोग लग्नेश का बन रहा है, क्योंकि अपने घर में बैठे हैं, विपरीत राजयोग बनेंगे बन रहा है। और ये जो विपरीत जो छठम जो घर है, तो ये क्या चुनाव का भी होता है और प्रतिस्पर्धा का भी होता है। छठम ग्रह उसमें विपरीत राजयोग मतलब विपरीत के चुनाव में विजय दिलाने के लिए ये जो है लगन को चुना गया है। तो यहाँ तो ठीक है कि लग्नेश का जो है छठम भाव में जाना ये काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं का लगन है और जो है लग्नेश का अपने घर में, और इसमें जो है मंगल की 8वीं दृष्टि अपने घर में पड़ रही है, तो उसकी तो मंगल इस लगन के लिए बहुत अच्छा है। तो ये तो एक प्लस पॉइंट कुंडली के माध्यम से देख के रखा गया, और ये तो बहुत अच्छा है। दूसरा क्या है, शनि को जो है देखिए यहाँ पे केंद्र में रखा गया, वो भी अपने ही घर में है, तो शनि भी केंद्र में है। और चंद्रमा देखिए, चंद्रमा को भी कर्क राशि में अपने ही घर में रखा गया कर, तो ये भी चंद्रमा का भी चयन अच्छा किया गया, मतलब किस दिन रखा गया, मतलब 9 तारीख यूज की गई चंद्रमा के कारण, तो ये भी बहुत अच्छा है। और बाकी राहु केतु को, राहु को जो है यहाँ पे जो आ रहे हैं क्या बोलते हैं आपके पंचम भाव में, जो कि आकस्मिक धन का कारक है, और जो है केतु यहाँ पे, और सूर्य बुध और गुरु और शुक्र यहाँ पे केंद्र में रखा गया, तो इस कारण जो है शुक्र को भी अपने घर में रखा गया। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो यहाँ पे शनि अपने घर में, मंगल अपने घर में, चंद्रमा अपने घर में, शुक्र अपने, 4 ग्रह स्वग्रही हैं अपने घर में हैं, और इसमें बहुत लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, बुद्धादित्य योग बन रहा है। तो और राहु पंचम भाव में है, जो कि आकस्मिक धन अच्छा माना जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ तो क्या है, ग्रहों की बारे में बात की, लेकिन जो हम दशा की बात करें तो यहाँ पे दशा जो चल रही है गुरु की, राहु गुरु की महादशा है और राहु की अंतर दशा है। तो यहाँ पे दशा का जो चयन हुआ है, दशा का चयन में गुरु और राहु ये जो चलेंगे 16 जनवरी 2025 तक, तो 16 जनवरी 2025 तक जो है यहाँ पे गुरु की महादशा में अंतर दशा राहु की रहेगी। तो यहाँ पे समय जो देखा जाए तो उतना सही दशा के हिसाब से नहीं है। उसके बाद जो है 17 जनवरी 2025 से शनि की दशा आ जाएगी। तो शनि तो अपने स्वग्रही है, चतुर्थ भाव में है, पराक्रम के स्वामी है, तो 17 जनवरी से समय अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये इसके बीच में जो समय है वो दशा के हिसाब से, अब देखिए समय की भी अपनी एक पाबंदी होती, सारी चीजों को बदला नहीं जा सकता, और क्या कुछ सारी चीजों को सही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ग्रहों और हिसाब अपने से निहित है। थोड़ा समय से लेके जो है चीजें की जा सकती हैं, और यदि समय थोड़ा आगे पीछे करते तो शायद वो वृश्चिक लगन नहीं मिलता। तो वृश्चिक लगन का भी लाना जरूरी था, और जो है मंगल बहुत सारी कंडीशन थी, इसलिए अब वो चीजें तो निहित हुई, मतलब कि जो 16 जनवरी 2025 तक जो दशाएं चलेंगी वो उतनी अच्छी नहीं चलेंगी, और उसके बाद फिर क्या है चीजें अच्छी चलेंगी। शनि की दशा जब आ जाएगी तो उसके बाद सब चीजें सही चलेंगी, और शनि पराक्रम भाव के स्वामी हैं और अपने घर में है, तो यहाँ पे चतुर्थ। अब हम बात उस चीज की करते हैं किस किस सेक्टर में ग्रोथ होगा।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 17 जनवरी 2025 से शनि की दशा लगेगी, महादशा शनि की चलेगी, तो शनि के सेक्टर भागेंगे। मतलब शनि का सेक्टर यदि हम बोले, जो रेल के सेक्टर हैं, आरबीएल है, जो जो जितने भी शेयर हैं आपके जो रेलवे के हैं, वो ग्रोथ करेंगे 17 जनवरी 2025 से, वो उसमें सपोर्ट, वो चीजें आगे जाएंगी। तो शनि के जितने भी सेक्टर है वो आगे जाएंगे, लोहे के जिस सेक्टर हैं वो आगे जाएंगे, और वो शनि वाले जो सेक्टर हैं, चाहे रेल है, चाहे लोहा है, चाहे मतलब आप मोटर का भी ले लेंगे, चाहे आप वाहन का ले लेंगे, तो वो सेक्टर आगे आएंगे। और शनि जो चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो चतुर्थ भाव में सुख सुविधा भूमि वाहन मकान, तो सुख सुविधा तो ठीक है, वो भूमि मतलब जमीन रियल एस्टेट में भी अच्छा ग्रोथ करेंगे, वाहन में भी अच्छे, वाहन के जो सेक्टर हैं वो भी बहुत अच्छा करेंगे, और मकान ये रियल एस्टेट में बता ही चुका हूँ, और जो है इसमें जो है रेल का भी बता चुका हूँ, रेल सेक्टर भी अच्छा जाएगा। तो ये सारे सेक्टर ग्रोथ करने वाले हैं शनि के कारण। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की, देखिए चंद्रमा तो क्या हर महीने जो है कर्क राशि में आएंगे, तो चंद्रमा जो है भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जो है चंद्रमा से जो रिलेटेड जो चीजें हैं, जैसे कि हम बात करें कि जैसे कि एग्रीकल्चर है, चंद्रमा से रिलेटेड है, और जो जल सेक्टर है, और जो जो मतलब जो है जितने भी लिक्विड्स है, तो सारी चंद्रमा से रिलेटेड है, तो वहां पे कहीं ना कहीं इसमें ग्रोथ होगा। तो ये सारी चंद्रमा के जो भी सेक्टर है वो आगे जाएगा। तो ये चंद्रमा तो क्या हर जो है कर्क राशि में आएगा, तो उसमें तो क्या है कि वो गोचर के हिसाब से जो है चंद्रमा का अच्छा रहेगा। फिर हम बात करते हैं शुक्र का, यदि बात करें तो शुक्र भी अपने घर में है, और ये लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, तो शुक्र सेक्टर के जितने भी शेयर हैं, यदि हम जैसे बात करें कि बैंक सेक्टर है, बैंक सेक्टर की शेयर भी काफी अच्छे जाएंगे, बैंक सेक्टर भी आगे जाएगा, और शुक्र में जैसे कि ज्वेलर्स का भी है, और वो भी आगे जाएगा, और सूर्य बुध बुद्धादित्य तो गवर्नमेंट के सेक्टर भी आगे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब ये क्या है, ये बिजनेस भाव में बन रहे हैं, तो इसमें जितने भी व्यापार, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में व्यापार हो, बैंक सेक्टर में व्यापार हो, और शिक्षा सेक्टर में, तो बैंक तो आगे जाएंगे ही, गवर्नमेंट सेक्टर भी आगे जाएंगे, तो ये सेक्टर आगे बढ़ेंगे। और मंगल की बात करें तो मंगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मंगल जो है यदि हम बात करें डिफेंस की, तो डिफेंस पे ज्यादा जो है जोर दिया जाएगा, और डिफेंस के जितने भी शेयर हैं वो भी आगे जाएंगे। तो डिफेंस सेक्टर यहाँ मंगल लगने से ही है, तो 5 साल की जो कार्यकाल में होगा वो और रक्षा मंत्रालय काफी अच्छा रहेगा, और उसके बाद दीदी बात करें इसमें ज्यादा ग्रोथ होगा, ये सेक्टर बहुत अच्छे होंगे, तो इसमें आप जो है डिफेंस के शेयर भी ले सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन 5 सालों में यदि हम देखे जाए, तो ये चतुर्थ मतलब शनि से रिलेटेड शेयर भागेंगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड शेयर भागेंगे, और बैंक से रिलेटेड शेयर भागेंगे, और चंद्रमा से रिलेटेड शेयर भागेंगे, और यहाँ पे मंगल या डिफेंस से रिलेटेड शेयर भागेंगे। तो ये तो जो थी गणना थी कि किस किस सेक्टर में होगा, तो इन 5 सालों में इन सेक्टर में हम जो है जो शेयर में निवेश करेंगे, तो उसमें ग्रोथ हमको ज्यादा मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि भाई अभी जो है अभी क्या होगा, तो अभी देखिए अभी जो है गुरु की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है, और ये समय थोड़ा अच्छा नहीं है। तो मेरे हिसाब से यदि लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 17 जनवरी 2025 से जब शनि की महादशा स्टार्ट हो जाएगी, उस समय ज्यादा ग्रोथ होगा, और शनि की महादशा चलेगी, तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, शनि की दशा चलेगी, बाकी सब शेयर अच्छे हैं, और इसमें अच्छा ग्रोथ होगा। तो दशा से भी है, उसके पहले जब गुरु में राहु चलेंगे, तो चीजें उतार चढ़ाव की रहेंगी, थोड़ा सा संभल के उसमें करना है। तो आने वाली जो सरकार है, जो मतलब ये जो सरकार में जो बन रही है, उसमें जो है काफी ग्रोथ होगा, क्योंकि जिस हिसाब से मुहूर्त बना गया है, जिस हिसाब से उस समय में शपथ दिलाई गई है, उस समय ग्रहों की पोजिशन बहुत अच्छी है, बस शुरुआती जो ग्रह दशा उसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी है। मंगल भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, आने के वाले जो भी चुनाव होंगे तो उसमें ये सरकार का बहुत सपोर्ट रहेगा, और बहुत ज्यादा जो है इससे मदद मिलेगी, और ग्रोथ होगा और उन्नति करेंगे। तो ये था लोकसभा 2024 शपथ ग्रहण समारोह की कुंडली, आप देख सकते हैं, और इस तरह से आप इससे काफी जो है अनुभव लेके अपना जो है
चाहे शेयर में निवेश करें, चाहे अपनी लाइफ में ग्रोथ, तो इसमें देख के आप एक आइडिया आपको लग सकता है। तो ये थी लोकसभा 2024 की शपथ ग्रहण समारोह की कुंडली। धन्यवाद।